अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अदरंदी किचन। आज हम बनाएंगे दही बल्ले, जो कि हम मूंग और माश की दाल से बनाएंगे। एक कप हमने माश की दाल ली है, हाफ कप हमने मूंग की दाल ली है। इन दोनों दालों को हमने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। इसका पानी हमने पूरा ड्रेन कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है और 2 पिंच हमने ये सोडा लिया है, खाने का सोडा जो हम पकौड़ा वगैरह में डालते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले दाल ग्राइंड कर लेते हैं। टाइम की कमी की वजह से हमने आपको पहले से सोक करके दिखाई है दाल, और आप देख सकते हैं मूंग और माश की दाल है। अब हम पहले ये दाल इसमें ऐड कर देंगे जार में अपनी। बिस्मिल्लाह। हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, जब हम पीसेंगे और हमें पानी की कमी लगेगी तो हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। दाल को हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अभी हमें जो चीज़ें दिखाई थी आपको, ज़ीरा, नमक, अजवाइन, सोडा, हरी मिर्च, ऐसे भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसे बगैर पानी के ग्राइंड कर रहे हैं, अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा पानी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी हमें कम लग रहा है तो अभी हम ये सिर्फ इसी स्पून से 1 स्पून डाल रहे हैं, अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल लेंगे। देखें, 1 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। मैंने दाल को बिल्कुल छन्नी से छान लिया था, इस वजह से मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हमने इसका बैटर जो है थिक बनाना है, पतला नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। तो देखें हमारा बैटर कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है, बस हम इसे निकाल लेंगे। चलिए जी, इसे हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा ये बैटर तैयार हुआ है। चलें जी, अब हम अपने जो बैटर है इसको इतना अच्छे से फेंटेंगे, यानी बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए, इसमें एक जो है एयर बन जाए ना अच्छे से, तो इससे हमारे जो बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और हमने इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाना है। ये देखें, हाथ में लेकर आप रख के करेंगे तो इतना ज़्यादा सही से नहीं बीट हो सकेगा। मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसे बीट करते हुए तकरीबन मुझे 7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है। और हम इसे चेक कर लेते हैं ये ठीक से बना है या नहीं। एक प्याली में हमने सादा पानी ले लिया है, थोड़ा सा बैटर लेके हम इसमें बिस्मिल्लाह ऐड करेंगे। ये देखें, फ़ौरन से ऊपर आ गया है, इसमें कितनी अच्छे से हवा जो है भर गई है, हल्का हो गया ये बिल्कुल हमारा बैटर। तो बस अब ये बैटर हमारा रेडी है। अगर ये पानी में तैरता नहीं तो समझ लें अभी हमें और इसको बीट करना है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है तलने के लिए। पहले हम ऑयल गर्म कर लेते, फिर आप। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इसको हमने हल्का सा स्पून को ग्रीस कर लिया है, देख सकते हैं हम। और ये थोड़ा सा चौड़े मुँह का लीजिएगा आप चम्मच, तो इससे जो है हमारे बड़े जो है सही साइज़ में फ्राई होंगे। इसलिए हमारे हैं, देखिए शेप इसका कुछ भी हो आप इसकी फिक्र नहीं करें, ये सेट हो जाता। देखिए, बस मैं इसमें सारे शामिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा बैटर बचा है हमारा, इसमें डाल दिए हैं और बहुत स्लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, एक साइड से हो जाएंगे तो मैं आपको दूसरी साइड से इसको टर्न करके दिखाती हूँ। चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये एक साइड से हो गए, हम सब इनको सबको फ्लिप कर देंगे इस तरह से। देखें कितने हल्के हैं ये, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो रहे हैं ये। देखें, इन सबको मैं फ्लिप करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इन्हें टर्न कर दिया है, इन
तकरीबन एक साइड से 2 से 2.5 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने बहुत सी लॉन्च पे इसको फ्राई किया है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें, गुठले ना रहे। देखें ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इसको ना डीप फ्राई किया है और ना शेलो फ्राई किया है। इतना ऑयल हमने इस पर डाला है कि इसके सरफेस पर नहीं आया है, यानी इसकी तह पर ही है ऑयल और ऊपर वाली सतह पर जो है पकौड़ों की ऊपर जो है भल्ले हमारे इन पर नहीं आया ऑयल। तो बस ये इसीलिए हम इन्हें टर्न कर करके सेक रहे हैं कि दोनों साइड से सेक जाएँ, फ्राई हो जाए। इतने अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें तमाम हमने निकाल लिए हैं, बाकी दूसरा वेज हम इसमें शामिल करें। हमने वो निकाल दिए हैं अपने बड़े और ये दूसरे इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से शेप इसका खुद ही ठीक हो जाता है जब ये फ्राई होते हैं, शेप की फिक्र नहीं कीजिएगा। सारे में इसमें ऐड करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बाकी का बैटर भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, बस अभी से हम हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। चले जी ये भी हमारे गोल्डन हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है, कितने ऑयल फ्री ड्राई बने, बिल्कुल खुश्क है ये, ऑयल नहीं। एक बॉल ले लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया है, इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। इसे नमक को हम अच्छी तरह से पानी में हल कर लेंगे। अभी अपने बड़े शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें अच्छे से इस तरह से पानी में डिप कर देंगे। देखें इसमें से बबल्स आने लगेंगे इस तरह से, ताकि पानी अंदर तक चला जाए। ये देखें इस तरह से। और अब ये जो सालन वाली प्लेट होती है, गहरी जो होती है, इसका ये हिस्सा जो है गहरा होता है, तो वो इसमें जाके ये अच्छे से इसको डिप कर देती है ना भल्ले हमारे। तो इस तरह की प्लेट इस पर कवर करके 1/2 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। उसके बाद आगे क्या करना है आप जी, जब तक हमारे भल्ले जो हैं पानी में भीगे हुए हैं, हम दही रेडी कर लेते हैं। हमारा होममेड दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रेसिपी भी हम आपको कुछ दिनों में दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा दही जमा हुआ है, ये देखें आप इसकी। और मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना थिक योगर्ट है, ये हमारा घर का जमा हुआ है। तो बस हम आज यही यूज़ करने वाले हैं, इसको हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बस अभी हमें इतनी ही ज़रूरत है। चलिए हम दही को फेंक लेते हैं अच्छे से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ये थिक है, घर का जमा हुआ है, इस वजह से बाहर से तो थोड़ा लिक्विड ही आता है, तो हम उसे हैंग कर देते हैं। अब देखें कितना क्रीमी स्मूथ हो रहा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया अभी। अब बस हम इसमें ये 1 टेबल स्पून चीनी मिला रहे हैं। आपको अगर चीनी नहीं मिलानी, नमकीन बनाने हैं आप, तो चीनी ना मिलाएं, नमक मिला लें। बस इसे डिज़ोल्व कर लेंगे। दही रेडी हो गई है और ये भल्ले जो हैं हमारे, ये भी सॉफ्ट हो गए पानी में। हम इन्हें इस तरह से प्रेस करते हुए इनका सारा पानी ड्रेन कर देंगे, ये देखें, और निकालते जाएंगे इनको इस तरह से, ये देखें। ये देखें एक हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, ये देखें कितना ये सॉफ्ट बने हैं, ये देखें सॉफ्ट है बिल्कुल। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर कोई गुठली नहीं है, किस तरह से टूट रहे हैं। तो बाकी भी मैं सारे पानी से निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी भले हमने निकाल लिए हैं सारे, और हमने ये एक मिट्टी की जो प्लेट होती है उसमें एल्युमिनियम फॉइल को अरेंज किया है, इस तरह से सेट कर लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है स्ट्रीट स्टाइल में हम आपको सिखा रहे हैं किस तरह सर्व कर किया जाता है बाहर, तो ये देख सकते हैं हम। अब जो हमने दही रेडी किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था, बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिल्ड हो गया अच्छे से। ये ठंडे ही सर्व किए जाते हैं, देखें जितना आपको पसंद है आप इस पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो हमारे भल्ले हैं वो दही को सोक करेंगे,
चलो जी, हम इस पर ये खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप इसका देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खाने हैं। और ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी आने वाली है, दही की भी आने वाली है, और दो हमारा ये दही बड़ा मसाला है इसकी भी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये चिली सॉस है, जस्ट कलर के लिए या हल्का सा टेस्ट आ जाए। ये देखें, ये बहुत टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। ये मेरा होममेड है, देखें कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये स्ट्रीट स्टाइल में है, बाहर हम जो बाज़ार से खाते हैं तो इसी टाइप से वो हमें देते हैं इस प्लेट में। चलें जी, अब ये घर में किस तरह सर्व किए जाएंगे। एक प्लेट में मैंने अरेंज कर लिया है इनको, बल्ले अपने इसमें, इन पर भी हम उसी तरह दही को पोर कर देंगे सारा। देखें इस तरह से, पहले इस पर लाल वाली चटनी ड्रिजल कर देंगे। इसमें पानी लिए, उसके बाद हम ये ग्रीन वाली ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे। और ये चिली सॉस, चाट मसाला। ये लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से दही भल्ले तैयार हो गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी, ये जो है हमने सादे पानी में इनको डिप किया था तकरीबन 40 मिनट के लिए, मैंने आपको 30 मिनट्स बताए थे, लेकिन ये मैंने तकरीबन 40 मिनट तक इसको मैंने सोक किया था ताकि अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए, तो ये बहुत सॉफ्ट बने। एक हम आपको कट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह खाने में देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये फ़ौरन से कट गए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आपकी आज की मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।